अस्सलामुअलैकुम। टुडे इज आवर सेकंड लेक्चर। तो कल जो हमने किया था, कल के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया था सेल के बारे में और उनमें जो डिफिनेशंस हैं और टाइप्स हमने टच किए थे, लेकिन वो डिस्कस नहीं किए थे। तो आज हम सबसे जो पहली सेल है जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, उसको हम उसका डिटेल स्ट्रक्चर और होती क्या है प्रोकैरियोटिक सेल वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने कल आपको बता दिया था, पहला वाला जो लेक्चर था उसमें हमने बता दिया था सेल के चार टाइप्स होते हैं। एक तो होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा जो होता है यूकैरियोटिक सेल, उसके बाद मैंने कहा था देयर इज अनदर टाइप ऑफ सेल दैट इज अ मेसोकैरियोटिक सेल, एंड फोर्थ टाइप ऑफ सेल जो होती है दैट इज एन एकैरियोटिक सेल। सो टुडे वी विल डिस्कस दिस द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, सो प्रोकैरियोटिक सेल किस सेल को हम कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल हम उस सेल को हम कहेंगे जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इट इज एब्सेंट। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल हम उस सेल को हम कहेंगे जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब इसका क्या मतलब है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होना? इसका ये मतलब है ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमने कहा प्रोकैरियोटिक सेल हम उस सेल को हम कहेंगे जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना होने का मतलब, एब्सेंट होने का मतलब ये है कि ये जो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है ये डायरेक्टली होता है साइटोप्लाज्म में, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, अब यहां पे याद रखना है, ये तो सबको पता होता है, लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जब मैंने कहा जेनेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, बाहर से मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो इसका ये मतलब है यहां पे एक प्रोटीन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो भी एब्सेंट होता है। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन, यू नो हिस्टोन प्रोटीन इज यूज्ड फॉर द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। यहां पे भी पैकेजिंग होती है, थोड़ी बहुत होती है, मैं बता दूंगा आगे किससे होती है, लेकिन फिलहाल यहां पे हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो एब्सेंट होती है। जरूरत ही नहीं होती है हिस्टोन प्रोटीन की, क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में होता है, स्पेस बहुत ज्यादा है, उतनी ज्यादा पैकेजिंग करने की जरूरत नहीं है, सो दैट इज वाई हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये एब्सेंट होता है। ठीक है, अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, वी ऑल्सो कॉल इट सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम। वाई? ओनली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, नो दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ओनली द साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर? अब ये जो ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तो दूसरा अगर नाम अगर याद रखोगे इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट अ सिंगल एनवेलप सिस्टम और वी कैन कॉल इट अ सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, अब सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसका हम जो साइज देखेंगे, हम साइज एंड शेप। ठीक है, साइज एंड शेप जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल की ये वैरी करती है। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम साइज हम देखेंगे, सो इट इज 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, ये वैरी करता है, लेकिन एज फॉर योर टेक्स्ट इज कंसर्न दैट 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर जो होता है दैट द डायमीटर ऑफ एन प्रोकैरियोटिक सेल। अब साइज जो होगा वो वैरी करेगा, बहुत सारे साइज में होंगे। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल हो सकती है इट कैन बी स्फेरिकल, ठीक है, इट कैन बी सिलेंड्रिकल, ठीक है, इट कैन बी स्पाइरल और इट कैन बी कॉमलाइक। ठीक है, तो स्फेरिकल मैंने कहा तो इसको हम कहेंगे वी कॉल इट कोकस। ठीक है, वी कॉल इट द कोकस। ठीक है, सिलेंड्रिकल जो होती है वी कॉल इट बैसिलस।
ठीक है। उसके बाद स्पाइरल जो होता है वी कॉल स्पाइरलम एंड विब्रो दैट्स इन कॉमा टाइप, कॉमा टाइप को वी कैन कॉल द विब्रो, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ एन प्रोकैरियोटिक सेल। फर्स्ट दैट्स इन स्फेरिकल वी कैन कॉल द कोकस, एंड दिस इज अ सिलेंड्रिकल दैट वी कैन कॉल द बैसिलस, एंड इट इज इन स्पाइरलम स्पाइरल स्पाइरल शेप अगर ये होगी तो वी कैन कॉल स्पाइरलम, एंड आफ्टर दैट इट इज इन कॉमा लाइक दैट वी कैन कॉल इट द विब्रो। जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द विब्रो कॉलरी, द बैक्टीरिया विच कॉज इज द कॉलरा, तो वो दैट इन कॉमा शेप देन वी कैन कॉल इट द विब्रो कॉलरी। नाउ ये जो स्फेरिकल हो सकता है, अब स्फेरिकल या तो एक हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो होगा, सबसे पहला अगर ये एक होगा देन वी कैन कॉल इट द मोनोकोकस, ठीक है, इट्स अ मोनोकोकस। जब एक होगा, अगर ये दो होंगे देन वी कैन कॉल इट डिप्लोकोकस, ठीक है, देन वी कैन कॉल इट डिप्लोकोकस। अगर ये दो होंगे एक साथ देन वी कैन कॉल इट डिप्लोकोकस, अगर ये एक होगा देन वी कैन कॉल इट द मोनोकोकस। सिमिलरली ये जो सिलेंड्रिकल होगा वी कैन कॉल इट बैसिलस, देन वी कैन कॉल इट डिप्लोबैसिलस, ठीक है। इट डिपेंड ऑन व्हाट, इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया जो एक साथ ही रहेंगे। दूसरा जो होता है स्पाइरल दैट इज नोन एज स्पाइरलम जो होगा, और दूसरा जो मैंने कहा कोकस, देखो यहां पर मैं एग्जाम्पल बोलूंगा, वी हैव द स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टो जो ये बैक्टीरियाज होते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, तो वो इससे हो गई, तो इससे मतलब है जहां पर भी बैसिलस आएगा उसका मतलब ये है कि बैक्टीरियल जो है वो सिलेंड्रिकल है, जहां पर भी कोकस आएगा उसका मतलब ये है कि बैक्टीरियल जो है वो स्फेरिकल है, और जहां पर स्पाइरलम और विब्रो आएगा उसका मतलब इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ एन बैक्टीरिया। सो नाउ ये रहा इसका, ये जो था दैट इज साइज एंड द शेप ऑफ एन बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब इसका जो रहेगा स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर जो इसका होता है, सबसे पहले जैसे हमने कल बोला था, पहला जो होगा देयर इज एन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सबसे पहले जो होती है देयर इज एन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर देयर इज एन अनदर लेयर जिसको हम कहेंगे सेल वॉल, ठीक है, इसको हम सेल वॉल कहेंगे, और सेल वॉल के ऊपर एक और होता है इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज द एनवलप, ठीक है। सो दीज आर द थ्री एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी दिस प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले जो मैंने कहा इज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन यहां पर याद रखना है In case of prokaryotic cell, the plasma membrane is folded. The plasma membrane is folded. This folded plasma membrane, इसको हम कहेंगे mesosome. ठीक है? In case of prokaryotic cell, the plasma membrane is folded. ठीक है? तो उसको हम कहेंगे that is known as the mesosome. अब ये जो plasma membrane होता है, इस plasma membrane का क्या function है? In case of prokaryotic cell, plasma membrane का function है transportation. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। जैसे मैंने कल बोला था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इट इज व्हाट, इट इज सेमी परमेबल, इट इज सेमी परमेबल एंड इट इज ऑल्सो सिलेक्टिव परमेबल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल एंड इट इज सिलेक्टिव परमेबल। सेमी परमेबल किसके लिए, जैसे कि आप पहले लेक्चर अगर आप देखोगे वहां पे हमने कहा है सेमी परमेबल फॉर वाटर एंड सिलेक्टिव परमेबल फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना ही नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शेप भी मेंटेन करती है, शेप एंड साइज ऑफ एन सेल, शेप एंड साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वो भी मेंटेन करती है, वो भी इसके फंक्शन है, लेकिन मेन फंक्शन मोस्टली सो इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन। सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सेमी परमेबल फॉर वाटर एंड इट इज सिलेक्टिव परमेबल फॉर दीज थिंग्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। अब रहा सवाल यहां पे, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां पे होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड बैक्टीरिया, बार बार इसलिए
इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज द बैक्टीरिया, दैट इज वाई बार बार मैं बैक्टीरिया की एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो मैंने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है इसमें जो फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है, इस फोल्डेड मेम्ब्रेन को हम कहेंगे मीजोसोम। ठीक है, द फोल्डेड मेम्ब्रेन जो इसमें होती है जैसे मैंने कहा इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज द मीजोसोम। ठीक है, तो बेटा इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें नीट में बहुत सारे बहुत तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मीजोसोम होता है इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, पहला जो काम होता है इसका मीजोसोम का दैट इज रेस्पिरेशन। व्हाई? बिकॉज़ ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होती है, इस मीजोसोम में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। ठीक है, इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन होती है। अब ये फोल्डिंग क्यों है, फोल्डिंग इसलिए है, फोल्डेड इसलिए है बिकॉज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा उतने ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, ठीक है, उतने ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इसमें अकोमोडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जब इसमें होंगे तो इसका मतलब यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो ये है मीजोसोम जो है उसका काम है रेस्पिरेशन करना। तो बेटा आपको कभी पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एन प्रोकैरियोटिक सेल। तो उस टाइम हम कहते हैं कि क्योंकि हम पहले ही कहते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें कोई ऑर्गेनेल नहीं होता है एक्सेप्ट राइबोसोम, बाकी इसमें कोई भी, वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, वो मैं आगे भूल गया, तो वो भी हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल हम उस सेल को हम कहेंगे जिसमें मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, लाइक इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, वो हमने पहले डिस्कस किया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, गॉल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, सिर्फ इसमें एक ऑर्गेनेल होता है तो दैट इज एन राइबोसोम। लेकिन कुछ बुक्स ऑल्सो राइट कि इसमें लाइसोसोम भी होता है, वैक्यूल भी होता है, वैक्यूल तो होता ही है जिसको हम गैस वैक्यूल कहते हैं, लेकिन फॉर यूर नीट देर इज ओनली वन ऑर्गेनेल दैट इज एन राइबोसोम इसमें होता है, बाकी एज सच इसमें कोई ऑर्गेनेल नहीं होता है। ठीक है, तो जब हमें पूछा जाता है विच द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो हम वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें पहले पता है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो यहां पे मैंने कहा मीजोसोम का काम है रेस्पिरेशन, तो दिस मीजोसोम इज कंसिडर्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये जो मीजोसोम होता है इसको हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सो यू नो द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का क्या काम है, रेस्पिरेशन का काम है एटीपी जनरेट करना। तो यहां पे जो होता है ये वाला जो होता है ये एटीपी यहां पे जनरेट करता है। ठीक है, ये पहली फंक्शन है इसकी। दूसरी फंक्शन जो आप याद रखोगे ये क्या काम करेगा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल डिविजन। ठीक है, ये जो ये मीजोसोम होता है ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, लाइक इन केस ऑफ बैक्टीरिया जो भी उसमें डिवीजन हो जाता है, माइटोसिस जो भी उसमें डिवीजन हो जाता है, चाहे बाइनरी फिशन हो, तो उसमें वो कौन काम करता है, वो काम करता है यही मीजोसोम। दूसरा जो इसका काम है सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी सेल वॉल मीजोसोम में बनता है, जो भी सेल वॉल बनता है एक प्रोकैरियोटिक सेल में, वो कौन काम करता है, वो यही मीजोसोम करता है। ठीक है, तो एंड एक और चीज, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, इट आल्सो एक्ट एज अ गॉल्जी अपैरेटस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो है ये विजिकल्स बनाने में भी हेल्प करेगा, है ना, ये जो सिक्रेटरी विजिकल्स होते हैं उसमें भी ये हेल्प करने में मदद करेगा। ठीक है, आई रिपीट, तो मैंने कहा इन केस ऑफ दिस प्रोकैरियोटिक सेल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फोल्डेड, देयर इज अ फोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस फोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वी कॉल द मीजोसोम। ठीक है, उसके बाद जो होता है मीजोसोम, मैंने कहा कि वो काम करता है रेस्पिरेशन का काम करता है, तो रेस्पिरेशन का काम इसलिए करेगा बिकॉज इसमें जो होते हैं सम पिगमेंट्स जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, so for this we consider is a mitochondria of a prokaryotic cell। उसके बाद जो होता है सेल डिवीजन में भी काम करेगा, उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन में भी काम करेगा, उसके बाद गॉल्जी अपैरेटस इज आल्सो एक्ट एज अ गॉल्जी अपैरेटस, वो इसमें काम करेगा। ठीक है, तो ये रहा इसका जो है पहला जो है दर्जन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इस लेयर को जो हम कहेंगे वी कॉल ए सेल वॉल,
वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कहेंगे सेल वॉल। हर एक प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें सेल वॉल होता है, बट देयर इज एन वन जिसमें जो नीट में क्वेश्चन पूछा भी गया है, आगे भी पूछेंगे, देयर इज एन वन प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, दैट इज माइकोप्लाज्म और PPLO, प्लूरो नमूनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। इनमें जो होता है इनमें सेल वॉल नहीं होता है, बाकी जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें सेल वॉल पाया जाता है। अब ये जो सेल वॉल होता है, हमें पता है कि प्लांट सेल्स में भी सेल वॉल होता है, लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल यहां पे जो सेल वॉल होता है इट इज डिफरेंट। अब ये जो सेल वॉल होता है ये किससे बना है, इट इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। What is this peptidoglycan? Peptidoglycan is a glycoprotein. Clear? It's a glycoprotein. ठीक है? Peptidoglycan is a glycoprotein. It's a combination of two words, peptido, which means amino acids. ठीक है? It is glycan. It is polysaccharides. It is polysaccharides, so it's a glycoprotein. अब कौन सा polysaccharides में पाया जाता है? So mostly two. एक तो होता है जिसको हम कहते हैं NAM, NAM, and दूसरा जो होता है it is NAG. ठीक है? What is this NAM and NAG? NAM is a N-acetylmuramic acid, and what is this NAG? NAG is an N-acetylglycosamine. These are the two important polysaccharides which are present in the cell wall. Clear? अब यहां पे याद रखना है, कभी कभार आपको पूछा जाता है म्यूरिन भी होता है, म्यूरिन। ठीक है? सो ये जो एनएसटाइलम्यूरामिक एसिड होता है तो इसमें मोस्ट ये ज्यादा पाया जाता है, सो फॉर द सीजन वी कॉल इट द सेल वॉल इज आल्सो मेड ऑफ म्यूरिन। लेकिन मोस्टली ये वाला जो होता है पेप्टोग्लाइकॉन आपको पूछा जाता है कि सेल वॉल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो किससे बना होता है, तो उसमें ऑप्शन सेलुलोज भी होता है कंफ्यूज करने के लिए, ताकि हम कोई बच्चा ऐसा होगा जो कहेगा कि नहीं सेल वॉल जो होता है इनकेस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेलुलोज से बना होता है। ठीक है? लेकिन यहां पर याद रखना है इनकेस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ये जो सेल वॉल होता है इट इज मेड ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकैन, दैट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स, दैट्स एन अमीनो एसिड्स एंड दैट्स एन पॉलीसेक्राइड्स। द टू पॉलीसेक्राइड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस NAM एंड NAG, सो दिस इज एन एनएसटाइलम्यूरामिक एसिड एंड दिस इज एन एनएसटाइलग्लाइकोसैमाइन। ठीक है? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेकिन एक और चीज जो कमेंट्स कुछ आए थे वो ये कि टेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, टॉपर्स का जो इंटरव्यू आप देखते हो तो बेहतर है कि आप अवॉइड कर लो वो टॉपर्स का इंटरव्यू जो वो देते हैं। बेहतर इसके लिए है कि यू कंसल्ट योर टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक, लेकिन विदाउट टीचर टेक्स्ट बुक काम नहीं करेगी आपके लिए, टीचर के पास जाना जरूरी है, क्योंकि टीचर को पता होता है कि टेक्स्ट बुक मतलब कहाँ कहाँ से जाना है। उसके अलावा आप एक कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक जो होगी वो आप लेके आओ, तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। तो थैंक यू वेरी वेरी मच।